अरे बस सौरभ जाओ सुबह आप जाकर आज मुझे तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक ट्रैवलिंग वीडियो में। तो अभी ट्रैवलिंग वीडियो की शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे से। तो अभी हम आ रखे हैं कुद्यबगड़ में और कुद्यबगड़ यहाँ पर पीछे रह चुके हैं खरक और सामने है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्मृति। तो वहाँ पर हम कल जाएंगे, कल शाम को कल सुबह चलेंगे यहाँ से। सिर्फ तिरपाली सैन के लिए जाते हैं या कहीं के लिए वो आपको आगे चल के पता लग जाएगा। और अभी हम हैं कुद्यबगड़ में और यहाँ पर हम पहले भी रह चुके हैं। कहाँ पर? जो कुद्यबगड़ के पीछे साइड यहाँ पर इस साइड को खरक है वहाँ पर। तो वहाँ पर एक जो गौशाला है वो खाली है, तो वहाँ पर हम रहने वाले हैं और स्टे करने वाले हैं। जो भी यहाँ का रहन सहन होगा वो आपको वीडियो के थ्रू दिखाया जाएगा। और बाकी जंगलों में रहने का एक ही अलग ही प्रकार का एक्सपीरियंस है जो कि हमने सुबह से ले लिया है। और फिर अभी और लेंगे। और यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही काफ़ी अच्छे हैं और स्वभाव के भी अच्छे हैं। और बाकी जो भी आ रहा है चाय पानी पूछ रहे हैं। और बाकी यहाँ से मैं जा रहा हूँ अभी सीधे अपने अड्डे पे। तो यहाँ पर देखिए भाई मौसम अभी ख़राब हो चुका है। और बाकी मैं आ रखा था यहाँ पर नेट चलाने के लिए, नेट तो चल ही नहीं रहा, तो आज वीडियो भी अपलोड नहीं होगी। मतलब 2-3 दिन तक मुझे लग रहा है वीडियो अपलोड नहीं होगी। या जी हम तिरपाली स्टैंड इस साइड को चलेंगे तो वहाँ पर क्या पता नेट चल सकता है। बाकी हमारा ट्रैक तो बहुत लंबा था बट मुझे लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। हमारे पास 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे उस टाइम तक। और बाकी यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छी जो पेड़ है ना उनकी जो आकृति बन रखी है वो काफ़ी अच्छी बन रखी है। और बाकी आप चलते हैं और आपको रहन सहन दिखाते हैं यहाँ का। और यहाँ पर जो ठंड है ना वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी है भाई। इस साइड को ना नीचे नीचे साइड को यहाँ पर पानी चल रहा है। और जब हम पहली बार आए थे यहाँ पर हमको पानी भी नहीं मिला था क्योंकि हम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई थी। और बाकी देखिए नीचे साइड को यहाँ पर बकरियाँ भी चल रही है और भैंस भी चल रही है। देखिए कितने सारे भैंस हैं और बकरियाँ भी हैं, काफ़ी ज़्यादा बकरियाँ हैं। मतलब कि एक मवासी के कम से कम 30-32 लगभग 30-35 किसी के 25 ऐसे ही बकरियाँ हैं सबकी। तो देखिए और हमारे यहाँ पर काफ़ी बहुत ही कम जाते हैं भैंस चरने के लिए जंगलों में। और यहाँ पर सारे गाय बकरियाँ भैंस बैल सब जा रहे हैं। हसन भाई पता नहीं कहाँ पर चले गए हैं, कहाँ पर बैठे हुए हैं कुछ पता नहीं है। तो मैं तो गया था वहाँ पर, वो कुछ आदमी थे उनके साथ बातें करने लग गए थे और मैं आया हूँ यहाँ पर घूमने के लिए। तो मैंने सोचा ऊपर घूमने के लिए आ जाते हैं। और देखिए यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी बकरियाँ हैं। ये देखिए इतनी बड़ी बकरियाँ हैं यहाँ पर, वो भी देखिए कितनी बड़ी बड़ी बकरियाँ हैं। तो यहाँ पर देखिए पानी, पीने का पानी है। और यहाँ पर उनने अपने लिए मास्क करके यहाँ पर, हमारे यहाँ पर इसको बोलते हैं पन्यू। तो यहाँ पर उनने पन्यू बना रखा है हमारे यहाँ पर पत्तों से, सब अलग अलग प्रकार के बनाते हैं। और यहाँ पर देखिए इनने टीन का कनस्तर काट के यहाँ पर मास्क करके पानी के लिए। भाई साहब इतना ठंडा है ना भाई भाई। और यहाँ पर देखिए कुछ लगा रखा है उनने, किसी के पौधे लगा रखे हैं। और यहाँ पर बना रखा है उनने पंधेरा। ये सारे यहाँ पर खरके हैं, चारों तरफ जहाँ देखो वहीं खरके हैं। हमारे भंडारी साहब पता नहीं कहाँ चले गए। नमस्कार यार, लॉन्ड इज क्या यख नहीं हो? अच्छा कौ कुछ यख है। और भंडारी साहब भाई बहुत प्योर जरा धैर्य दिया था पी दो। ठंड ठंड होने ना, ठंड बहुत वो साइड का खतरा ना होने भाई वो पर नेट चलाने जो थोड़ा बहुत पल साइड का ना मैं यार बी आई जर जरा आना चाहिए जी बी आई में जियो में चलो ना जियो में चलो तुम फोन तो वो नेटवर्क जब दिया जाना था भाई ना नहीं भाई हम भाई करन जो मैं तुम यू लगनी चीज पे जोड़ दम तुम बैठे छे हम भाई करन हम फोन। अच्छा ठीक ठीक चार्ज का कब करने तुम फोन है पैनल है नंदी आई को यो यो हो सकता मत पैनल। अच्छा वो पे करन और सब चार्ज नहीं अच्छा अच्छा हां सब छोए नहीं तुम। अच्छा बढ़िया से तुम सब ले यार जनरेटर ले और जको जनरेटर तो 2 दिन कर रही हो ना। के टाइम पे हम आ चुके हैं फिर से अपनी
लोकेशन पे तो वाली लोकेशन है हमारी यहाँ की, और सामने देखिए कोहरा लग चुका है खतरनाक। तो आज मुझे लग रहा है खाना बनाना पड़ेगा। तो अभी के टाइम पे हम निकल चुके हैं यहाँ से बाहर के लिए, घूमने के लिए निकलते हैं। यहाँ पर थोड़ा क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। पियोगे तुम? पियोगे तुम? छाछ पियोगे? कोई बात नहीं। जी तुम्हारी पानी ये क्या बनी? जी पानी ना तुम्हारे छो? हाँ ताखुल पाखुल है। अच्छा अभी कौन जाना तुम? अच्छा तुम अच्छा अलग से? अच्छा एक ही साग अलग से ना तुम ऐसा लगो ना क्या बनाना चाहिए बन का तुम्हारा खीर अभी नहीं बन? अच्छा अब बनाना वाले अभी पैंट धरी। चलो ठीक ठीक बड़ा जी आगे। अच्छा अले अले सुखाड़ा पर मरण खाड़ रो मरण का दिन देवर ठीक जी। तो वो चूस खाड़ के भाजो थोड़ा तुम्हारे को तो खाड़ तुम मन जो चीज नहीं। अरे 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 उन्होंने तुम चिपड़ा ले हले आराम से आराम से। तुम्हारे डिबर है डिबर से बड़े? अच्छा है कब तक बंद नहीं तुम पका सब बंद ली क्या कुछ दिखो नहीं तक अन्य पट बोला से मिलो तुम पका नहीं बंद सब बंद नहीं है सब बंद नहीं। अच्छा बंदे मुझे फुकी भाई लो आया हम तो यो डॉग आले तो लास्ट में आग लगाए हम ही मसे बगल वा में। चल बे चल अरे घास भी देने ना पर देखिए अभी भैंस से दूध निकाला जा रहा है और यहाँ पर आ चुके हैं बैल हैं और यहाँ पर खाना बन के तैयार हो चुके हैं। अच्छा रोशन भाई तुम नहीं बना रहे अपने लिए खाना? अभी के टाइम पे ना हम आ चुके हैं यहाँ पर नीचे और यहाँ पर अभी रात का डिनर की तैयारी हो रही है। तो डिनर बन रहा है हमारा यहाँ पर दलिया, तो दलिया भी चढ़ चुका है यहाँ पर चूल्हे में। तो अभी देखिए दलिया तो बन के तैयार होने वाला है और पानी हो चुका कम, तो हमारे पास आज बोतल भी नहीं है तो हम इसी बोतल से काम चलाएंगे। मैं जा रहा हूँ यहाँ से पानी के लिए, तो यहाँ पर ही सामने है पानी, तो पानी के लिए चलते हैं भाई। देखिए आवाज आ रही है ना और कोहरा लगा हुआ है बहुत तगड़ा तरीके से। लो भंडारी साहब पानी रख लो, कितने खोते नहीं तेल किराया चल किराया। तो यहाँ पर देखिए अभी दलिया बनके तो तैयार हो चुका है, बट रोशन भाई ने यहाँ पर गिरा दिया था भाई। अब चीनी ऐसे रखेंगे हाँ तो गल जाएगी ना, गल जाएगी। और हमारी एक दूध की पैकेट थी वो पता नहीं कहाँ चली गई है, दो लेके आ रखे थे और एक ही पहुँच रखी है यहाँ पर। अभी के टाइम पर देखिए भाई खाने की तैयारी हो चुकी है और मैं भी यहाँ पर खाना परोसते हैं भाई जी। गर्मा गर्म भोजन बहुत ही प्यारा। खाना तो हो चुका है, अब चलते हैं इसको सीधा वहीं पर ही धोने के लिए, पानी नजदीक में है।
धोनल तो अभी के टाइम पे ना हमारी सोने की व्यवस्था हो चुकी है और अभी सो चुके हैं और दो एक नाइट तो अच्छे से कट चुकी है और आज की नाइट देखते हैं कैसे करते हैं। डिनर तो हो चुका है और इसके आगे जो भी होगा आपको देखने को मिलेगा, कल ही मिलते हैं। और इसकी फसल था सही भाई साहब, बहुत खतरनाक वाली बारिश लग चुकी है यहाँ पर और रात भर लगी हुई थी, तो मुझे लग रहा है भाई रेनकोट निकालना पड़ेगा तब जाएंगे हम। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी मेरी सेवा सोली सिमन पढ़ना, मेरा नाम चन्नू राव, स्वागत आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ों में। और अभी हम हैं कुद्यबगड़ में और यहाँ पर अभी देखिए मौसम बिल्कुल ख़राब हो चुका है, चारों तरफ देखिए भाई कोहरा लग चुका है। जिस साइड देखोगे उस साइड कोहरा लगा हुआ है और बाकी सामने देखिए भाई जो गौशाले हैं वो भी नहीं दिख रही है। अभी हम आ रखे हैं ऊपर, यहाँ पर हमारे एक चाचा जी हैं जिनकी अभी हम गौशाला में आ रखे हैं। यहाँ पर चाचा जी ने हमें अभी चाय पानी पिलाने के लिए बुला रखा है, तो अभी चाय पानी पियेंगे। अभी यहाँ पर चाय रखी हुई है। घर पे था ले घर पे अच्छा और ये से कुछ नहीं हुन खराबी बाजार पर मतलब गैस टेक यूज कर लड़ भर भर गैस भर जाने पर ये कुछ ना तुम्हारा पर खेत वेले कहीं अच्छा अच्छा पति चलो बहुत चीज तुम न्याणे नाश्ता करण अच्छा तो अभी चाय पानी पीने के बाद अभी जा रहे हैं हम नाश्ता करने के लिए। तो अभी इन रास्तों पे लगे हुए हैं और यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा कीचड़ हो रखा है क्योंकि यहाँ पर गाय बकरियाँ चलती रहते हैं तो उनका पैरों से जितना अच्छा भी रास्ता हो वो सभी टूट जाता है। तो ये देखिए कितना फिसलन हो रखा है भाई, यहाँ पर संभल के चलना पड़ रहा है देखिए। और बाकी जो मौसम है ना, मौसम खुलने का नाम नहीं दे रहा। अभी हमें यहाँ से आगे का प्लान भी करना है, तो हम जितने आगे आगे चलते जा रहे हैं उतने अच्छे अच्छे लोग हमको मिलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर सभी लोग मतलब चाय पानी खाना सब पूछ रहे हैं। तो अभी हम आगे हैं सबसे नीचे वाले खरक में और यहाँ पर देखिए भी बहुत खतरनाक फिसलन हो रखा है। ये तीस वाले होटल में आ चुके हैं, बल होटल है चुका। तुम चमक बढ़िया चेहरे भाई किला बहुत तेज ना हमारे था गई थी चमकने वाले चेहरे जैसा और बुढ़े बुढ़े आदमी जैसे ना जैसे लेती तो जान हो ना चेहरे पे भी नहीं जाई थी आप चेहरे पे भी नहीं ये किला बल्ला नहीं आता है मैं समझ रही हूँ ठंडा हुई लगी ना ना ठंड भी नहीं हमसे ठंड महसूस नहीं होने का प्यार पड़ी नहीं यार अच्छा ठंडा तो अभी आ रखे हम यहाँ पर नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पर बन रखा है मीट चिकन, तो मैं तो चिकन नहीं खाता, मुझे मिल रहा है यहाँ पर घी, बहुत ज्यादा घी रहता है यहाँ पर है। तुम्हारा भैंस वाल था कहीं अच्छा दूध दिनों ना बेचन नहीं तुम क्यों कितने रुपये किलो भी चल रहा 700 किलो नहीं तुम्हारा दया भी ली वाली पीस का है क्या नमक अच्छा की के धरी जमे लहसुन प्याज था थी अच्छा खुशबू तो बड़े आनी जीरा भी धरी है हां जीरा खुशबू आनी ना चल हां ना फूक हां अच्छा ठीक छ मैं थोड़ा तैर से तैर पे गया गॉड तीन में तो गरम पैंट जी मुखा गरम ना अच्छा पैंट अच्छा मतलब एक अभी गरम पैंट हो उतर ओ भानु दोन का अच्छा मतलब इतनी ठंड होने का है। पर आप ये ठंड नहीं जैसे पहले क्या है जी, पहले भयंकर ठंड है हां। अब तो आवाज नहीं रहे, आप ठंड नहीं हो, अब थोड़ा बहुत कम चाहिए कम
जमीन नहीं था अते में जस के तुम लियो खराग लगी वो टाइम पर तो ये परमिशन लियो पड़न छ कि ना आप जो नन मन यार बिन रहने तो लो ना फुल की थी जगह तुम को कुछ देर पड़न कुछ देर पड़न ना इसकी उजा फ्रॉड बात करियो होते इसको मी मी आज कर अच्छा मां बुढ़िया हो कर के ना ना बात फिर ना अच्छा वो बुढ़िया क्या है जी जन जंगला जावे जी यो मैं यो जी से साल में अच्छा उन तक गेंद देने जावे खुदा जमान आप तो का फोन आप तो अब सब वाले अच्छा वो सारे शहर बोलिन अच्छा वो सकते सारे जो मावे वो सकते सारे 55 साल अच्छा अच्छा वो टाइम 10 साल है मियां 10 साल तो 10 साल से तब बता मैं कि नहीं मतलब डियो मतलब आप टाइम टाइम पे करया तुम ना हां तुम करो अरे आज करा ना जी तुम्हारे इसकी कटने वाले को लगे नहीं बात लगेगा टाइम पास दो काम काज परेशान सब बोलन छे कजी लेस बोला कजी मोगी जा सब काम मतलब हस्बैंड पति सब कजी खिले पल्ला की कजे बोला कोई आ गया बंदा के बनने कह बनने कह पल्ले से बोल तो बने कजी शाशन बोला शाशन में कह जाए कजे के साथ चलो ठीक है चलो बढ़िया चलो बैठो तब बोल है क्या है अरे चलो ठीक है नमस्कार। देखिए भाई अभी आधा घंटा हो चुका है आधा क्या डेढ़ घंटा हो चुका है और मौसम अभी भी खुला नहीं तो भी हम आ रखे थे ताऊ जी के खरक में यहाँ पर नाश्ता करने के लिए तो नाश्ता तो हो चुका है तो मैं चिकन नहीं खाता तो उन्होंने भाई घी दे दिया बहुत ज़्यादा तो खाना पड़ रहा है नाश्ता करने के बाद अब चलते हैं सीधा अपने खरक में जहाँ पर हमारा रेस्टोरेंट है वहाँ चलेंगे भाई और उसके बाद आगे का प्लान तय करते हैं भाई क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है और 9:30 का टाइम हो चुका है और बाकी अभी पहुँच चुके हैं खरक में ये हमारा वाला खरक चलो आगे तिरपाल तो अभी के टाइम पे ना यहाँ पर देखिए भाई बैग पैक हो चुके हैं और सारा सामान यहाँ पर से इकट्ठा कर दिया है मैंने तो अपना बिस्तर यहाँ पर रख दिया है रोशन भाई भी ऊपर रखेंगे इसमें लटका देंगे और बाकी देखिए कुछ ऐसे थे आज की हमारी लोकेशन और सामने देखिए भाई ये है आज का प्यारा सा व्यू जो कि अभी आपको कुछ नहीं दिखाई देगा और यहाँ पर आ चुके हैं बैल चरने के लिए तो आजकल इस टाइम पर सभी के बैल चरने के लिए नीचे के साइड को चले गए हैं सामने देखिए यहाँ पर आलू बोए हुए हैं और इस साइड को थे खरक तो सबसे नीचे वाले खरक में हम रुके हुए थे तो देखिए इसके ऊपर कितनी सारी लकड़ियाँ हैं तो देखिए कितना वजन उठा रहे हैं नीचे वाले जो लकड़ियाँ हैं ना उसमें तो अब जाने की तैयारी हो चुकी है बट अभी जाने का प्लान नहीं है पता कि कहाँ जाना है मैंने यहाँ से जाने की तैयारी हो चुकी है बैग हो चुकी है पैक अब यहाँ से ऊपर साइड को चलेंगे तो इस टाइम पे देखिए ये चरने के लिए आ रखे हैं इस साइड को तो इनको भी छोड़ दिया है भैंसों को चरने के लिए और ये यहाँ पर पेड़ के सहारे यहाँ पर खड़े हो रखे क्योंकि बारिश आ रही है और यहाँ से चलेंगे हम तिरपाली सैंड के लिए तो यहाँ से सीधा आगे चलेंगे वहाँ पर खरक हैं उनसे पूछेंगे और उसके बाद आगे का सफ़र फिर से तय करेंगे और रास्ता किस साइड से है पता ही नहीं चल रहा कोहरा हुआ कोहरा लगा हुआ है तो इस वजह से कुछ पता ही नहीं चल रहा हाँ जी नमस्कार और ठीक ठाक क्या चल रहा है खाना पीना अच्छा बन गया नमस्ते छोड़ी सी वो भैंड चढ़ा के बाट का थे ये तो जानू मैं ऊन उब बाट मिल जाए ना हम ठीक है अच्छा यहाँ से रास्ते नहीं है भाई जी आप कहाँ से तुम्हारा कौन क्या अच्छा घंडियाल अच्छा ये जगह की बनी अभी जिस जगह में अभी हम दूधातोली दूधातोली के खरक हाँ जो उधर है अच्छा सब दूधातोली में
जितने भी लोग मिले काफ़ी अच्छे लोग मिले, सभी अच्छे लोगों से अभी हमारा सामना हो रहा है, और जो भी मिल रहे हैं कोई भी कैमरे से मतलब हिचकिचा नहीं रहा है। जैसे कि हमारे इधर होता है ना कि कैमरे पकड़ के चला जाओ तो ये कर रहा, तो वीडियो बना रहा, हमारी वीडियो मत बना, हमारी शक्ल मत निकाल, ऐसे करके कुछ बातें कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए भाई, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि कैमरा पकड़ा हुआ है, फ़ोन पकड़ा हुआ है, कुछ नहीं, बस जो पूछ रहे हैं बता रहे हैं, मस्त करके बातें कर रहे हैं। यहाँ पर आ रखे थे, यहाँ पर आके नेटवर्क आए तो अभी हम दोनों ने कर दिए हैं घर के लिए कॉल, मतलब कि ठीक ठाक हैं। अभी हम आगे के लिए जा रहे हैं भराड़ी सैंड के लिए, तो इस वाले रास्ते चलेंगे। और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे गाय आ रखे चरने के लिए, तो अभी हमको आधा घंटा हो चुका है पैदल ट्रैक करते हुए। तो अभी हम खूबसूरत सी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, और ये है हम जा रहे हैं कहाँ, भराड़ी सैंड की साइड। तो यहाँ पर देखिए लोगों ने पाइप के माध्यम से यहाँ पर पानी की व्यवस्था कर रखी है, पानी पी रहे हैं यहाँ पर। जो कितनी प्यारी लोकेशन पर आ चुके हैं, पता नहीं क्या लग रहा है, कौन सी जगह है ऐसी, कौन सी जगह, और लद्दाख की लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। सॉरी दोस्तों ऐसे ही लग रहा है, बट अभी हम कुद्यावगढ़ के ही जंगलों में घूम रहे हैं, दूधातोली के जंगलों में घूम रहे हैं। और सामने देखिए भाई कितनी प्यारी प्यारी लोकेशन पर यहाँ पर खरक बसे हुए हैं और लोगों के गौशाले हैं, और सामने देखिए वहाँ पर तालाब भी बन रखा है, और सामने देखिए भाई कितने बड़े बड़े पत्थर और प्यारी लोकेशन। भाई इस लोकेशन को देखने के लिए तरस गए थे, और ये वाली लोकेशन आज सामने देखिए भाई ये रही। और ठीक ठाक, और खाओ नाश्ता पानी, नाश्ता पानी भी यार। अभी क्या क्या बनाना तुम्हें, अभी यार नजर चारा खाने वास्ते। अच्छा उनार बाखरो कण है बल भैंस, अच्छा गोर भैंस का, अच्छा कितनी जा लकड़ी जी, ये ब्रांस, अच्छा ब्रांस, तो अच्छा मतलब तुम्हारे हाथ में बहुत कलच है, तो मतलब यार खा लिए है, मतलब लोग हाथ में कलच है ना, ये चीज उपयोग होने चाहिए जाकर ना। हां अरे ये क्या चीज है, ये वाला ये तो ये नशर धूप पड़ा हुआ था बड़ा ही टम पहले। अच्छा धूप देना खड़े, अच्छा तो ये भी गजब की चीज है यार, क्या ढूंढ जा वो गोल, वो यार दवाई दूं कुटना वास है ना जड़े बूटी। अच्छा बाकर कौन कौन है, चलो ठीक और अकेले से तुम दी सब चले, ये बॉन्ड है सब बॉन्ड है, अच्छा वो सब भरे से, अच्छा टूट अच्छा, तो जो यम यमा नाम क्या है, यमा नाम ये एक नाम तालू, ताल हां बोला ना ताल, अच्छा मैं तो ताल वो ताल थे, ताल थे अच्छा ताल इधर, अच्छा मेरे को दी पकड़ लो ने, अच्छा उसको कोई दे पकड़, चलो ठीक ठीक अच्छा, तो इना माध्यम से तुम इनता बनाना जी, चलो ठीक है तरफ कुछ दिखने नहीं, अच्छा तो तुम इनका चारा वगैरह रखोगे नहीं, चारा में दूर से दूर है जंगल से जरा थोड़ा दूर था ना, ये तो फोन बिल्कुल भी नहीं था ना, केवल तो याद देने के बोले खर्चो जे तो दूर से दूर, अच्छा कुछ नहीं, चलो बढ़िया। अच्छा तुम अकेला रहने के और भी रहने तुम दगड़ का क्या, हां दगड़ से, अच्छा तुम फैमिली रहने, चलो ठीक चलो बना दो लास्ट टाइम बोल कभी, चलो ठीक है भेज सीधा रास्ता ओनो करनियो, छापो चल सीधे जाए तो ना, हां छापो छापो पिन पिन छापो छोड़ने, अच्छा ठीक है? अच्छा ये साइड कौन है, चलो ठीक ठीक तो ये साइड को ना काफी ज्यादा कौवे देखने को मिल रहे हैं, सामने देखिए चार कौवे यहाँ पर बैठे हुए हैं। दाने हाथ की तरफ, ठीक है तो अभी तो यहाँ से लोकेशन तो कुछ दिखाई नहीं दे रही, तो लोकेशन तो आपको क्या दिखाना है, व्यू क्या दिखाना है, सामने देखिए भाई ऐसा और का कुछ माहौल, ये जग रहे आ रहे
गुणों में तेरी महानता महानता महानता। सीपियों की ओट में।